हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग रेमेडी। सो गाइस, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है। साथ ही साथ अगर आप वाइट एंड ब्राइटन स्किन पाना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, या फिर अपने चेहरे के दाग धब्बे झाइयों को दूर करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो गाइस, इसके रेगुलर यूज से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाने के साथ साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी स्किन मिलेगी। सो गाइस, इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना और किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ईजी है। किचन के ही सामान से आप इसे ईजीली रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, इसको बनाने के लिए आपको जिन जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी मिल्क पाउडर की। मिल्क पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटर बनाने के साथ साथ स्किन के सारे दाग धब्बे छाइयों को भी दूर करेगा। उसके बाद हमें चाहिए शुगर। आपको पिसी हुई चीनी या फिर दरदरी ऐसी नहीं लेनी है, नॉर्मल जैसी चीनी होती है आपको वैसे ही लेनी है। उसके बाद हमें चाहिए आलू का रस, आपको चाहिए पोटैटो जूस। सो गाइस, पोटैटो जूस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। सो गाइस, अब हमें इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग रेमेडी किस तरीके से बनानी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है, जिसमें आपको एक चम्मच शुगर ऐड करनी है। सो गाइस, शुगर भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हमें ऐड करना है एक चम्मच मिल्क पाउडर, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच आलू का रस यानी पोटैटो जूस। सो गाइस, एक चम्मच काफ़ी है। और गाइस, आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि इसमें जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए और एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट ना तैयार हो जाए। सो गाइस, इसमें धीरे धीरे जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाएगी। सो गाइस, देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट तैयार हो गया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस रेमेडी को बनाना कितना इजी है और ये किचन के ही सामान से रेडी हो जाएगी। सो गाइस, ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, जैसे कि दाग धब्बे, झाइयाँ हो गई हैं, टैनिंग हो गई है तो वो दूर होगी और आपको एक वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन मिलेगी। सो गाइस, अब बात करते हैं कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है। सो गाइस, इसको यूज़ करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि आपके फेस पर कोई भी डस्ट वगैरह वो सब हट जाए। और उसके बाद आपको इस तरीके से अपने फेस पर इसको लगाना है, और उसके बाद कम से कम एक मिनट तक अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। सो गाइस, मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप इसे दिन में दो बार ज़रूर ट्राई करें, रात को सोने से पहले, और उसके बाद आप इसे दिन में भी ट्राई करें। इससे कुछ ही दिनों में आपकी स्किन के सारे दाग धब्बे झाइयाँ दूर हो जाएंगी और आपको एक वाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन मिलेगी। सो गाइस, इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने फेस पर इसकी एक मोटी सी लेयर लगा लेनी है, और उसके बाद आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना। सो गाइस, देखिए मैंने यहाँ पर इसे अप्लाई करके छोड़ दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया। सो गाइस, इसके पहले ही यूज से आपको आपकी स्किन में ग्लो देखने को मिलेगा। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और क्लियर लगेगी, और साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। सो गाइस, आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है, आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ईजी है, आपकी स्किन के दाग धब्बे झाइयाँ कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जो बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।